Está mala. ¿Paro? और भाई लोग क्या हाल चाल यार। अब यार ये जो कॉस्ट्यूम है देखने में तो बहुत ज़्यादा औसम है और बिना हेलमेट के तो खतरनाक ही दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, ये धोती इतनी ज़्यादा लाल है कि एनिमीज तो एकदम सांड की तरह पीछे पड़ जाते हैं। अब इसको मार के हम लोग निकले ही थे कि तभी मुझे आगे से आवाज़ आ गई और मैं समझ गया कि आगे और भी बंदे हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था तो सीधा उन लोगों पर पुश कर दिया। लेकिन भाई जैसे ही पिस्टल से नॉक हुआ होश ठिकाने आ गया। अब यार वहां से हम लोग को एक फ्लेयर नजर आया था, ये नहीं पता था कि इतनी दूर होगा, लेकिन अब आ गए थे तो चेक करना तो बनता ही था बॉस। और इतनी दूर आना बेकार नहीं गया। भाई मैं ऐसे ही सोच रहा था कि पबजी में वोल्टिंग के लिए एक अलग से बटन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जब खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करते हो तो अंदर जाने ही नहीं देता है। अब फिलहाल यार मुझे पता था कि मेरे पीछे एक बंदा है तो इस वजह से मुझे रिवाइव देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, मैं आगे गया कवर देने के लिए। और जो कि ज़रूरी भी था, यहाँ पर मैंने दो को नॉक कर दिया था। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि पुश करके उनको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बंदा था जो कि खड़ा था, लेकिन मेरा दांव उल्टा पड़ गया। और वैसे कृष्णा सही कह रहा था, मुझे भी साउंड आया था कि कोई बंदा नीचे कूदा है, तो भले ही कृष्णा मुझे ऊपर सपोर्ट देने नहीं आया था लेकिन नीचे रुक के भी हम लोग को कवर ही दे रहा था। लेकिन जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग वापस रिवाइव हो चुके थे, अब ऊपर वाले बंदों की उड़ के आ चुकी थी। भाई साहब सबके सब एक ही तरफ थे, ये को मैंने एक को नॉक कर दिया और जो बाकी बचा था उसको टीममेट्स खा गए, तो यहाँ पर ये स्क्वाड पूरी तरीके से साफ हो गई थी। अब यार मुझे एक ड्रॉप दिखा था तो मैं टीममेट्स को ये बता रहा था कि अपने पास में एक ड्रॉप है, लेकिन यार जैसे ही हम लोग मुड़े हम लोग के सामने तो डबल ड्रॉप हो गया। पता
अब मैंने पहले बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरी वेस्ट पूरी तरीके से डैमेज है। यहाँ पर मैंने लेवल 1 की भी वेस्ट नहीं उठाई जल्दबाजी में, और ऊपर तो गया मैं, मेरे पास एक अच्छा वेपन भी था, लेकिन मुझे वेस्ट से कोई प्रोडक्शन नहीं मिली। लेकिन मैंने उसको जम के डैमेज दिया, और उसके बाद स्कूबी ने अपना काम कर दिया। तो यहाँ पर यार स्क्वाड, बल्कि क्या दो लोगों की टीम फिनिश हो गई थी। अब हम लोग वापस यहीं पर आए जहाँ हम लोग को डबल ड्रॉप मिला था, क्योंकि यहाँ पर एक और ड्रॉप हो गया था और यहाँ पर एक बंदा भी था, एक बंदा नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी टीम भी थी। अब वो टीम तो खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैं गया ड्रॉप को लूटने। लेकिन तभी भाई फायरिंग होने लगी और अपना एक टीममेट टॉक हो गया, तो मुझे भाग के जाना पड़ा सपोर्ट देने के लिए। अब हम लोग ने दो को नॉक कर दिया था, तो ये बहुत अच्छा मौका था उस टीम के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। बंदे ना, ये ब्लू कर पे ना बंदे। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, मुझे गन नजर आ गई थी, तो मैं इससे पहले आया कवर में, उसके बाद उस बंदे को फिनिश कर दिया। और उसके बाद उनका आखिरी बंदा भी हम लोग के हत्थे चढ़ गया। अब यार ये भी अच्छा गेम प्ले है, तो इसको भी देख लो। यार जोन भी गंदा बन रहा है ना यार, क्या बोलूंगा। Let's go. Here we go, and all right, we stay. Gotta go, stay.